वो देखे मेल बैठ गया। तो अभी मैंने सोचा जी ये एक ही रख देते हैं, ठीक है। कैमरे में एक और बात बता दूं, कैमरे में डव बहुत बड़ी लगती है, रियलिटी में बहुत ही छोटी होती है, बजरी पैरट जितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो ये देख लें जी, अभी ये कल मैंने इनको घास ला के ये चारा डाला था, ठीक है, जो कि इन्होंने हरा हरा खा गया और सूखा सूखा इन्होंने छोड़ दिया। फिर ये सारा साफ़ करते हैं और इनके लिए घास ला के इनको डालते हैं। लें जी, इनको हमने घास डाल दिया इनका ला के, जो हमने इनको डालना था जंगली घास है सारे के सारा। ये भांग भी डाली है, ठीक है, अगर तो खा गए अच्छी बात है, ना खाई तो ना सही। ये भी कुछ ले आया हूँ, ठीक है, ये उम्मीद है कि ये खा जाएंगे, हरी हरी है ना तो ये खा जाएंगे। बाकी ये देख लें, सारा चारा साफ़ सुथरा हरा हरा डाल दिया है अब इनको, जो कि ये मज़े से खा रहे हैं। लो जी, रात को फीमेल लेना टुन हो जाना, ठीक है, क्योंकि ये भांग के पत्ते खा रही है बेशरम। चलो कोई नहीं, है मैं मेरा ही फायदा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मियों में ना अंत की भांग उगती है, तो गर्मियों में बंदा इनको ये खिला दे करे भांग, तो एक तो ठंडे रहेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, और जो सारा ऊपर से पेड़ भर जाएगा। तो आज पानी में कोलिसोल की जगह मैंने मिला दिया ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का आधा कैप्सूल 250 mg वाला। तो फिंचेस हमारी देखें किस तरह तड़प रही हैं पानी के लिए, तो इनको पानी डालते हैं। लें जी, फिंचेस को पानी डाल दिया और वो चली गई हैं पानी पीने अपना। ये देख लें जी, सही हो गया। ये देखें, ये हमारा बैठा हुआ है काकटेल मेल, और ये बैठी हुई है काकटेल की फीमेल, उसकी बेगम होने वाली बेगम उसकी। ये देखें, ये है फीमेल और ये मेल बैठा हुआ है। अभी हम ये जो है ना अपनी दिन लगे हैं डव्स को, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि डव्स इसमें बैठ जाया करेंगी आराम सुकून से। अभी ये ना रखते हैं हम जो है ना केज में उनके, ये दोनों हैं, एक एक कॉर्नर में आ जाएगा और एक एक कॉर्नर में आ जाएगा। तो अभी मैंने सोचा जी ये एक ही रख देते हैं, ठीक है, ये एक ही बहुत है इनके लिए, क्योंकि डव्स अक्सर ना नीचे ही बैठती हैं, तो ये जो है ना उनके लिए बहुत है एक ही, और ये जो सा दूसरा है तो ये हम रखेंगे उस कार्नर में ना, ठीक है। तो ये जो सर मैं रख लूँ, फिर मिलते हैं। दोनों उधर चले गए हैं और दोनों देख भी रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है, फिर देखते हैं ये बैठते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्होंने अंदर बैठ जाना है, क्योंकि गहरी जगह भी मैंने बना दी थी, और अभी देखेंगे कि जो सा ना ये बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो ना सही, हमें क्या अभी कौन सा इन्होंने अंडे वैसे भी देने हैं। उम्मीद यही है कि इन्होंने बैठ जाना करना है ना अंदर रात को। ये देख लें, फीमेल जा रही है और मेल नहीं जा रहा अभी। जूम करते हैं, ये देखें कैमरे में एक और बात बता दूं, कैमरे में डव बहुत बड़ी लगती है, रियलिटी में बहुत ही छोटी होती है, बजरी पैरट जितनी होती है। वो देखें मेल बैठ गया, वाह भाई साहब मज़ा ही आ गया, गुड हो गया कि ठीक हो गया कि। तो मैंने यहाँ पर कंगनी उगाई थी, ठीक है, पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। ये देखें, ठीक है, कुछ कुछ उग रही है, और वो देखें ये सारी की सारी उग रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी जो भी आपको हरियाली नज़र आ रही है ये सारी की सारी कंगनी है, तकरीबन 80% 90% ना, ठीक है। ये देखें ये सारी कंगनी है, तो पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है। अभी ये जो सा ना यहाँ पर ये वाली जो सी ना नहीं थी उग रही, तो अब्बा जी ने कहा था कि इसको जो सा ना ज़मीन के नीचे दबाओ, ठीक है। अभी ये देखे ना नई नई उगनी शुरू हो गई है, तो अभी ताज़ा ताज़ा काम है यानी, ठीक है, ये अभी ग्रो नहीं हो रही है, देखे ना, ये देखो किधर गए, यानी ये अभी दाने ही दाने हैं। तो यानी पहला दूसरा दिन है अभी ये सही तरीके से ग्रो नहीं हो रही, ठीक है, मिट्टी के नीचे हो गई, तो फिर जो सा ना ये सही उगेगी। तो इसको मैं अभी जो सा ना ये देखें यहाँ से मैंने दबा दी है सारी, ऊपर नीचे कर दिया ताकि जो सा ना मिट्टी के नीचे चली जाए और जो सा ना फिर अच्छे तरीके से ग्रो हो। तो ये सारी काल लें, फिर मिलते हैं जी। ये देखें आधे से ज़्यादा काली हुई है, और मैं ये दिखा रहा हूँ जी आपको, ये क्या है जी, शलजम यानी गोंगलू, हमारी ज़ुबान में गोंगलू, शलजम गोभी जो फूल गोभी होती है ये वो है, और ये आलू, ठीक है। हमारे घर वाले फुल किसान बने हुए हैं। ये देखें ये लहसुन भी उगाया हुआ है, वो आगे मेथी है, वो फिर आगे लहसुन है, तो वो आगे पालक लगी हुई है, ये सारी ये भिंडी है, और इधर जो है टेंडे शायद, ठीक है, टेंडे जो होते हैं समझ तो आपको ये हो गए टेंडे क्या होता है, ठीक है।
जो सा ना वो उगाया हुआ है, और इधर मैं जो सा ना किसान बना हुआ हूँ कंगनी उगा रहा हूँ। ये देखें ये उगना शुरू हुई हुई है। तो जब ये मिट्टी के नीचे जाएगी ना, थोड़ी सी दब जाएगी मिट्टी के नीचे, तो ये अच्छे तरीके से जल्दी ग्रो होना शुरू होगी। तो ये सारी कर लें, फिर मिलते हैं। फाइनली सारी की सारी कर दी है मैंने, ज़मीन नरम और कंगनी जो सी है ना मिट्टी के नीचे अब चली गई है आलमोस्ट सारी की सारी। कुछ कुछ दाने हैं जो भी बाह रही हैं, लेकिन मेरे बाजू टूट चुके हैं बिल्कुल ही ना। चले कोई नहीं, कभी कभी ये काम करने चाहिए। मैं अक्सर जो सा ना होते रहते हैं मेरे इस तरह के काम, तो जो सा ना सांस फूल रही है दो दफ़ा। ये जो सा ना ज़मीन मैंने नरम की है, और कंगनी कहाँ पे है एक वो दाना मुझको नज़र आ रहा है, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये है, और एक ये अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरह करके ये सारी कंगनी जो सी है ना, अब मिट्टी ये सारी सीधी करूँगा तो कंगनी जो सी है ना सारी की सारी नीचे चली जाएगी। ये वाली इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये जो सा ना उगना शुरू हो चुकी है, इसलिए जो सा ना इसने ख़राब हो जाना था, तो जो सा ना बस हो गई है भाई साहब। ये सारी मिट्टी सीधी कर लें। खा पी रही है, पता नहीं है फीमेल बाहर आके खा पी रही है, मेल भी बाहर ही है, और ये घास खा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने इनको डाला था, जो हरा हरा स्पेशल से लेके आया था वो इन्होंने नहीं खाया, लेकिन दूसरा खा गए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।